लोग हिमाचली हर्बल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियों का जिक्र किया जाता है जिनके यूज करने से, जिनका उपयोग करने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है। तो उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक औषधीय जड़ी बूटी है दोस्तों, वो है स्तावरी। दोस्तों पूरी दुनिया में स्तावरी अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है। स्तावरी पौधे के हर भाग का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। हालांकि स्तावरी तीन रंगों में पाया जाता है जिनमें सफेद, हरा और बैंगनी रंग भी शामिल है। स्तावरी के उपयोग बहुत से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों स्तावरी तेजी से वजन घटाने में भी मददगार है, साथ ही साथ ये स्किन में निखार भी लाती है और उम्र को चेहरे पे हावी नहीं होने देती है। हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्तावरी से होने वाले फायदों के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। डायबिटीज से परेशान है उनके लिए भी स्तावरी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है और डायबिटीज यानी मधुमेह को नियंत्रित करती है। इसके अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण दोस्तों वो मधुमेह को नियंत्रित करती है। दोस्तों अगर आप लोग अपने वजन से परेशान हो, वजन कम करना चाहते हो, तो आप स्तावरी का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं जो कि चर्बी को कम करते हैं और वजन को बढ़ने नहीं देते हैं। दोस्तों फाइबर से जल्दी भूख नहीं लगती है, और आपको पता है अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना कम खाओगे और आपका वजन कम बढ़ेगा। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारी हड्डियाँ। यदि किसी भी हड्डी में चोट लग जाए तो कार्य करना कठिन हो जाता है। और आप लोगों को पता है जैसे कि उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। जिन व्यक्तियों को दोस्तों हड्डियों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है या ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है दोस्तों, उन्हें अपने आहार में स्तावरी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्तावरी में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा है जो कि हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता है बल्कि मजबूत बनाता है। दोस्तों हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ हमारे हार्ट के लिए भी स्तावरी बहुत अच्छी है, क्योंकि हार्ट दोस्तों हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्तावरी में कई तरह के औषधीय गुण मौजूद होते हैं दोस्तों, जो होमोसिस्टीन स्तर को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है जो हृदय रोग को बढ़ाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। तो अगर दोस्तों स्तावरी का प्रयोग करते हो तो स्ट्रोक की समस्या हो गई या किसी कोई और हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इनके खतरे कम हो जाते हैं। स्तावरी दोस्तों पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। स्तावरी में भी दोस्तों दही की तरह प्रोबायोटिक गुण होते हैं जो पाचन स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हैं। स्तावरी में मौजूद घटक भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्तावरी में फाइबर मौजूद होता है जो कि कब्ज की समस्या नहीं होने देता है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक बनता है। स्तावरी माइग्रेन से होने वाले दर्द से भी छुटकारा दिलाती है दोस्तों। इसके इस्तेमाल से स्किन चमकदार बनती है, झुर्रियों को दूर कर देता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन होता है जो मुहासों से भी दोस्तों हमारा बचाव रखता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती दोस्तों, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है स्तावरी। वो तनाव को दूर करती है और अनिद्रा से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों स्तावरी का अगर आप यूज करोगे तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का सकारात्मक प्रभाव होने के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। अगर आप उसकी बहुत ही अधिक मात्रा ले लोगे तो वो आपके लिए दुष्परिणाम दे सकती है दोस्तों, आपके बॉडी में वो साइड इफेक्ट कर सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत ही एहतियात से इसका सेवन करना चाहिए हमें। इसे स्किन पर सीधे लगा लेने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को दोस्तों प्याज से एलर्जी है, उन्हें स्तावरी के इस्तेमाल से भी एलर्जी हो सकती है। दोस्तों ये थे कुछ स्तावरी के फायदे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक ऐसी नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।